number 3 is divide the following decimal numbers. ठीक है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उस दोनों में आपको आगे के डिफरेंस दोनों का डिफरेंस ये है कि अगर यदि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अगर डिवाइड किया था उसमें आपने क्या है उससे हम केवल डिविडेंड पर डेसिमल का डिवीजन में लेंगे। यहां पे आपके डिविडेंड और डिविडेंड दोनों में डेसिमल है 4.5 डिवाइडेड बाय 0.5। ठीक है, जिन्होंने अपना बराबर का कंट्रीब्यूशन दिया है। कितने स्टूडेंट्स ने दिया? 5 स्टूडेंट्स ने दिया। फाइंड द अमाउंट पेड बाय ईच स्टूडेंट, तो हर एक स्टूडेंट के द्वारा कितना अमाउंट पे किया गया। देखो इस क्वेश्चन में लास्ट में ईच वर्ड आ रहा है, आप लोगों के सामने बुक रखी होगी, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? ईच स्टूडेंट आ रहा है। तो ईच के अंदर हम क्या करते हैं, जब एक स्टूडेंट के बारे में पूछता है कि हर एक स्टूडेंट कितना पे करेगा, तो हम क्या करेंगे उस केस में? डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेट मी सॉल्व हियर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेटमेंट इज टोटल अमाउंट, टोटल contribution of
हम क्या करेंगे x भाग 20.6
और मैंने आपको तो बताया था कि जब मल्टीप्लाई पर बात आती है तो क्या होता है डिवाइड फोर, ठीक है, तो x ने हम 20.6 का डिवाइड कर दिया, आप लॉग में डिवाइड करके देख सकते हैं 20.6 Okay.